सब्सक्राइब कीजिए निगा न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप आईपीएल के फैन हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद टीम की आईपीएल के 11वें सीजन में शुरुआत तो बड़ी शानदार हुई, लेकिन पिछले दो मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात है कि उनके मुख्य खिलाड़ी चोट की वजह से मैच नहीं खेल पा रहा है, जिसका खामियाजा टीम को हार के साथ चुकाना पड़ता है। पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को चेन्नई सुपर किंग्स से एक बेहद रोमांचक मुकाबले में मात्र 4 रनों से हार झेलनी पड़ी। कहीं ना कहीं इस हार के बाद हैदराबाद को शिखर धवन की कमी जरूर खली होगी। शिखर धवन पिछले दो मैचों में बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं और दोनों मैचों में सनराइजर्स को हार का मुंह देखना पड़ा है। अब सनराइजर्स की टीम में एक और परेशानी आ गए है। उनके सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी आज के होने वाले मैच में नहीं खेल पाएंगे। आज सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस का मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है। भुवनेश्वर नहीं खेल पाएंगे आज का मैच। भुवनेश्वर कुमार भी बैक इंजरी से परेशान चल रहे हैं। इसकी वजह से वो अपनी टीम के साथ ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, यानी आज होने वाले मैच में भुवनेश्वर कुमार मैदान पर नहीं उतर पाएंगे। निश्चित तौर पर यह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि भुवनेश्वर अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन शिखर धवन के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि वो ठीक रहे और टीम में खेले। पंजाब के खिलाफ धवन हुए थे चोटिल। किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मैच में जब शिखर धवन बल्लेबाजी के लिए उतरे तो पहले मैच में ही उन्हें एल्बो में चोट लग गई, जिसकी वजह से वो बिना आउट हुए पहले ही गेंद पर मैदान से बाहर चले गए। इसके बाद सनराइजर्स की टीम को हार का मुंह देखना पड़ा। शिखर धवन अपनी चोट से अगले यानी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वाले मैच में भी मैदान पर नहीं उतर पाए और इस मैच में भी टीम हार गई। इससे पता चलता है कि शिखर धवन की लाजवाब फॉर्म इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कितनी जरूरी है। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने यूसुफ पठान के बारे में भी कहा कि वो अब फिट है और अगले मैच में खेलेंगे। सीएके के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान पठान को कुछ क्रैम्प्स आए थे, जिसकी वजह से वो परेशानी महसूस कर रहे थे। 5 मैच में से 3 मैच जीतने वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस वक्त पॉइंट टेबल में नंबर 4 पर है। वहीं अफगानिस्तान के शानदार गेंदबाज राशिद खान के बारे में न्यूजीलैंड और सनराइजर्स के कप्तान ने कहा कि राशिद के वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं। पिछले 2 मैचों में उन्होंने रन जरूर खाए, लेकिन ये T20 गेम है, इसमें कभी भी किसी भी गेंदबाज को रन खाने पड़ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी और नए बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले मैच में राशिद शानदार वापसी करेंगे। आप अपना विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपने निगा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें, और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले।